गुल्ली बुल्ली ने आज कई दिनों बाद अपने घर की सफाई की है और अभी भी ये लोग काम वगैरह ही कर रहे हैं। गुल्ली कहता है कि यहाँ पे इसे लगा दूँ क्या बुल्ली? बुल्ली कहता है कि नहीं नहीं गुल्ली, उसको थोड़ा यूं करके लगाओ। गुल्ली कहता है कि बुल्ली मुझे ये तुम्हारी यूं यूं वाली भाषा समझ में नहीं आती है, साफ साफ बताओ ना। बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम अपने ही हिसाब से उसे लगा दो, यहाँ पे तो रॉड आ रहा है। रॉड कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम लोग चल के जरा मेरी मदद तो कर दो, मेरी गाड़ी के टायर अचानक से पंचर हो गए हैं, उसे धक्का दे के दुकान तक पहुंचाना है। बुल्ली कहता है कि ठीक है रॉड, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। गुल्ली तुम भी नीचे आ जाओ। ये दोनों रॉड की मदद करने के लिए जाने लगे। ये तो शॉन आ रहा है, ये गुल्ली बुल्ली से मिलने आया है। शॉन गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाने लगा। ये दरवाजे को बंद देख के समझ गया है कि गुल्ली बुल्ली बाहर गए हैं, इसलिए उनके आने का इंतजार करने लगा। मगर इसको तो यहाँ पे जेसन खड़ा होके देख रहा है। दरअसल ये काफी समय से शॉन को ही किडनैप करने की कोशिश कर रहा है और अभी इसको पकड़ने के लिए आने लगा। इसने तो शॉन को गले से पकड़ लिया। शॉन की तो आवाज भी बाहर नहीं आ रही है और अब शॉन बेहोश हो गया। जेसन इसे अपने साथ लेके जाने लगा। ये तो जेसन का चाकू यहीं छूट गया और अब गुल्ली बुल्ली वापस आ रहे हैं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली चढ़ जाओ दोबारा छत पे। गुल्ली कहता है कि वो सब तो ठीक है मगर ये हथियार किसका है बुल्ली? बुल्ली कहता है कि ये तो जेसन के चाकू जैसा दिख रहा है, मगर उसका चाकू यहाँ कैसे आया होगा? यहाँ पे तो शॉन को बांध के रखा गया है और ये पेड़ पे तो ईगल रन बैठी हुई है। जेसन कहता है कि आखिर तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने हथियार तैयार करने को कहा था ना, गुल्ली बुल्ली हमारे जाल में फंसने आते ही होंगे। ईविल नन कहती कि बोलना बंद करो, मैं बहुत खतरनाक सा मॉन्स्टर बना रही हूँ और ये मॉन्स्टर मेरे कहने पे सभी को मार देगा। जेसन कहता है कि मगर तुम्हारा ये मॉन्स्टर कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ईविल नन कहती है कि अभी दिखाती हूँ मैं, जरा पीछे हटो। ये जमीन के अंदर से तो एक मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। जेसन कहता है कि ये तो देखने में बहुत ताकतवर लगता है, बहुत बढ़िया ईविल नन, अब ऐसे ही कई सारे मॉन्स्टर बनाओ, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। और अब जेसन कहीं जा रहा है, सामने से तो रॉड की गाड़ी आ रही है। जेसन इसे रुकाने लगा। जेसन कहता है कि रॉड आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसी बात पे मुझे जरा आइसक्रीम तो खिला दो। रॉड कहता है कि माफ करना जेसन, आइसक्रीम तो खत्म हो गई है, इसलिए अब मैं वापस घर ही जा रहा था। जेसन कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? अगर आइसक्रीम खत्म हो गई है तो अभी के अभी बनाओ और मुझे दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। रॉड तो गाड़ी से बाहर आ गया। रॉड कहता है कि ऐसी बात है तो रोक के दिखाओ मुझे। जेसन तो इस पे हमला करने आने लगा। रॉड इस पे अपने बर्फ से वार करने लगा मगर जेसन इससे बच गया। जेसन ने तो रॉड के सिर में चाकू दे मारा। जेसन कहता है कि तुम गुल्ली बुल्ली के अच्छे दोस्त हो ना, उनसे जाओ और कह देना कि शॉन मेरे कब्जे में है। ईविल नन ने तो दो और मॉन्स्टर बना दिए। ईविल नन इनसे कहते कि तुम तीनों जाओ और जाके रास्ते पे पहरा दो और कोई आता दिखे तो उसे वहीं मार देना। रॉड जख्मी हालत में गुल्ली बुल्ली के घर आ रहा है। रॉड की ऐसी हालत देख के ये दोनों घबरा गए। गुल्ली कहता है कि तुम्हें क्या हो गया रॉड, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? रॉड कहता है कि रास्ते में जेसन से मेरी लड़ाई हो गई थी और उसने बताया कि उसने शॉन को पकड़ के रखा है, यही बात बताने के लिए उसने मुझे जिंदा छोड़ा। बुल्ली कहता है कि मतलब रॉड यहाँ शॉन को लेने आया हुआ था। गुल्ली जल्दी बाबा के पास चलो, बाबा के साथ हम शॉन को बचाने चलते हैं। ये तीनों बाबा के घर तक आ गए। यहाँ पे तो बादल भी खड़ा है। बुल्ली बाबा को आवाज लगा के बाहर बुलाने लगा। बादल कहता है कि बुल्ली बाबा किसी काम से घर से बाहर गए हुए हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा कब तक आएंगे बादल? बादल कहता है कि उन्हें तो आने में कुछ दिन लग जाएंगे, क्या हुआ, कोई जरूरी काम है क्या? बुल्ली कहता है कि बादल तुम तो किसी को भी ढूंढ सकते हो ना, तुम हमें शॉन के पास ले चलो। बादल कहता है कि ठीक है, तुम लोग मेरे ऊपर आ जाओ। और अब बादल इन लोगों को शॉन की ओर लेके जाने लगा। ये तीनों मॉन्स्टर अब यहाँ से जाने लगे हैं। ये सामने से तो जेसन आ रहा है। जेसन इनसे कहता है कि तुम लोग कहाँ निकल लिए? अरे यहाँ पे रुको, हमारी सेना में रहना है तुम्हें, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। और अब ये ईविल नन की ओर जाने लगा।
ये इविल नन से कहता है कि इविल नन तुमने शॉन को अभी तक क्यों रखा है, इसे मारते क्यों नहीं हो तुम। इविल नन कहती है कि मैंने शॉन के लिए बढ़िया सी चीज सोची है, रॉड को तो तुम जानते ही हो, तुम्हें पता ही होगा वो पहले मॉन्स्टर हुआ करता था, शॉन की आत्मा की मदद से मैं उसे दोबारा शैतान बनाने वाली हूँ, तुम जाके उसे लेके आओ अब, तब तक मैं अपना काम करती हूँ। जेसन के कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी ये रॉड को लेने जाने लगा है। इविल नन शॉन के पास आने लगी, इसने तो शॉन के सामने एक शीशी रख दी, इसने अजीबोगरीब डांस शुरू कर दिया। अरे ये क्या चीज है, ये तो शॉन की आत्मा है और ये शीशी में आके बंद हो गई। ये लोग अभी भी रास्ते में ही हैं। रॉड कहता है कि बादल अभी हमें कितना समय लग सकता है, हम और जल्दी नहीं जा सकते हैं क्या। बादल कहता है कि मैं और नीचे से चलता हूँ, फिर मुझे शॉन के जगह का बेहतर पता चल पाएगा। अरे तो मॉन्स्टर ने इन पे हमला कर दिया और बादल नीचे गिर गया। यहाँ पे तो जेसन आ रहा है। जेसन यहाँ की हालत देख के खुश के साथ साथ परेशान भी हो गया, क्योंकि इसे रॉड जिंदा चाहिए था। जेसन कहता है कि तुमने इन दोनों के साथ साथ रॉड को भी क्यों मारा, इविल नन ने रॉड को बुलाया था। लावा मॉन्स्टर कहता है कि मगर इविल नन ने तो हमें सबको मारने के लिए कहा था, चाहिए तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। जेसन रॉड को लेके जाने लगा। जेसन रॉड को लेके इविल नन के पास आ गया। इविल नन रॉड को देख के कहती कि रॉड को क्या हुआ जेसन, तुमने इसके साथ मारपीट करी क्या। जेसन कहता कि ये तुम्हारे मॉन्स्टर्स का काम है, फिर भी अगर इसका कुछ हो सकता है तो करो, और तुम्हें मैं बता दूं गुल्ली बुल्ली मारे गए हैं। इविल नन कहती कि मैं कोशिश करके देखती हूँ। इविल नन ने अपना डांस शुरू कर दिया और ये शॉन की आत्मा को रॉड के शरीर में भेजने लगी, मगर इसका रंग तो नीले से लाल हो चुका है। जेसन कहता है कि लगता है तुम्हारा जादू बेकार निकला, खैर मैं चलता हूँ, तुम लगी रहो, कोई जरूरत पड़े तो बताना मुझे। ये तीनों मॉन्स्टर अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि इन्हें मारने के बाद क्या करना है ये इविल नन ने इन्हें बताया ही नहीं था। बादल तो अभी जिंदा है और ये वापस उठने लगा, इसने तो इन मॉन्स्टर को पिंजरे में कैद कर दिया और अब ये नीचे आ गया और अब ये गुल्ली बुल्ली को ठीक कर रहा है। गुल्ली बुल्ली सही सलामत खड़े होने लगे। गुल्ली कहता है कि हमारे साथ क्या हुआ था बादल। बादल कहता है कि गुल्ली पीछे तो देखो, उन मॉन्स्टर्स ने हम पे हमला किया था, मगर मैंने तुम दोनों को बचा लिया, तुम दोनों वापस आके बैठ जाओ, वो लोग रॉड को ले गए हैं। ये दोनों बादल पे बैठ के शॉन और रॉड को बचाने के लिए जा रहे हैं, मगर इन लावा मॉन्स्टर को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये लोग तो पिंजरे से बाहर आ गए और अब तो ये भी इनके पीछे जा रहे हैं। इविल नन रॉड की शैतानी रूप को बाहर लाने के लिए जादू कर रही है। रॉड तो उठने लगा, मगर इसकी आंखें बदल चुकी हैं। इविल नन रॉड को जिंदा करके बहुत खुश हो गई। ये रॉड से कहती है कि रॉड मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा किया है और तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना भी है, जाओ उसको खा जाओ, तुम खुद को और ताकतवर बनाओ। ये तो इसकी बात मान के शॉन को खाने बढ़ने लगा। ये तो शॉन को बस घूरे जा रहा है। ये शॉन की आत्मा तो बाहर आ गई और ये दोबारा शॉन के अंदर चली गई। ये रॉड तो यहीं गिर गया। इविल नन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ। इधर बादल की तबीयत तो खराब हो रही है, ये तो जमीन पे आ गया। बुल्ली कहता है कि बादल तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी हालत खराब लग रही है मुझे। बादल कहता है कि गुल्ली बुल्ली मैं हमला करने और तुम दोनों को ठीक करने की वजह से बीमार हो चुका हूँ, शायद मैं दोबारा कुछ देर तक उड़ नहीं पाऊंगा। अरे ये तो वही तीनों मॉन्स्टर इधर ही आ रहे हैं। ये तीनों मॉन्स्टर्स तो आपस में ही जुड़ गए, ये तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन गया। गुल्ली कहता है कि बादल तुम्हें उड़ना ही होगा, वरना मॉन्स्टर हमारे साथ तुम्हें भी मार देगा। वापस बाबा के घर चलो, हम शॉन और रॉड को बचाने का दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। मॉन्स्टर इन पे हमला करने आ रहा है। बादल अपनी पूरी ताकत लगा के उड़ने लगा और ये लोग वापस बाबा के घर के लिए जाने लगे, मगर ये मॉन्स्टर इन्हें छोड़ने वाला नहीं है, ये भी इनके पीछे ही जा रहा है। और जेसन भी इसी रास्ते पे घूम रहा है।
और ये गुल्ली बुल्ली की लाश देखने के लिए आया है, मगर यहाँ से सबको गायब देख के ये हैरान है। इसको समझ नहीं आ रहा कि वो सब गए कहाँ। जेसन यहाँ से इविल नन को ये सारी बातें बताने जाने लगा। यहाँ पे तो इविल नन ध्यान लगा रही है, शॉन को तो होश आने लगा। ये खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा है। ये तो कुर्सी के साथ ही गिर गया। और यहाँ पे तो जेसन भी आ रहा है। शॉन जेसन को देख के बेहोश होने का नाटक करने लगा। जेसन इविल नन से कहता है कि तुम सो रही हो क्या, मुझे वहाँ पे गुल्ली बुली और तुम्हारे मॉन्स्टर रास्ते पे दिखे ही नहीं। इविल नन कहती है कि उनकी चिंता मत करो, मैं अभी अपना जादू ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए शांत रहो अभी। शॉन धीरे धीरे रॉड को आवाज लगा रहा है। रॉड तो जिंदा है और ये खड़ा हो गया, और जेसन ने भी रॉड को देख लिया। जेसन तो रॉड के ही पास आ रहा है। जेसन कहता है कि लगता है तुम्हारा जादू काम कर गया इविल नन। रॉड ने फौरन जेसन को बर्फ में कैद कर दिया और ये इविल नन को भी कैद करने जा रहा है। अरे इस पे किसने हमला कर दिया, ये तो बिजली वाली इविल नन है। बादल इन दोनों को लेके बाबा के घर पे सही सलामत आ गया और गुल्ली बुल्ली नीचे उतर गए। गुल्ली कहते है कि लगता है कि बाबा अभी भी घर पे नहीं है। ये बादल तो अचानक से गिर गया। बुल्ली कहते कि बादल क्या हुआ तुम्हें, अचानक कैसे गिर गए तुम। गुल्ली कहते कि ये थकान की वजह से गिर गया होगा, इसको आराम की जरूरत है। मैं बाबा के घर से बादल के लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। और अब गुल्ली बाबा के घर में जा रहा है। ये आवाज कैसी आ रही है, अरे ये तो वही मॉन्स्टर है और उनके पीछे पीछे तो यहाँ तक आ पहुँचा। बुल्ली इसे देख के बादल के पीछे छिप गया। मगर ये मॉन्स्टर सिर्फ खड़ा क्यों है, ये इस पे हमला क्यों नहीं कर रहा। गुल्ली कहते कि बुल्ली यहाँ पे कुछ नहीं है, इसने भी अब इस मॉन्स्टर को देख लिया, इस मॉन्स्टर ने इसकी आवाज सुन के इस पे हमला कर दिया। गुल्ली तो बाल बाल बचा, शायद ये मॉन्स्टर किसी को देख नहीं पा रहा है। लगता है किसी वजह से इसकी आंखें खराब हो गई हैं और अब ये बस सुन के ही हमला कर सकता है। ये बिजली वाली इविल नन अब इसके पास आ रही है। ये इविल नन से कहती है कि अब उठ भी जाओ, कब तक ध्यान लगाओगी, जरा आंखें खोल के देखो यहाँ का नजारा। इविल नन खड़ी होने लगी। ये जेसन को जमा हुआ देख के हैरान रह गई। ये कहती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। बिजली वाली इविल नन कहती है कि बातें बाद में करना, मैं यहाँ कुछ खाने के लिए आई थी और तुमने तो मेरे लिए पहले से यहाँ इंतजाम करके रखा है, मैं उस बच्चे को लेके जा रही हूँ। शॉन ये सुनकर बहुत डर गया और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर ये रस्सी तो बहुत ज्यादा मजबूत है। ये बिजली वाली इविल नन इसके पास ही आने लगी। ये मॉन्स्टर अब इनकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है। गुल्ली तो घर से बाहर आने लगा, लगता है ये बुल्ली के पास जा रहा है, मगर इसे बहुत सावधानी से चलना होगा। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली ये तो अंधा है, हम इसे किसी तरह से हरा सकते हैं क्या। बुल्ली कहता है कि ये लावा से बना हुआ है, चलो हम इसे पास के तालाब में फेंक देते हैं। मगर इनके बात करने की वजह से इस मॉन्स्टर ने इनकी आवाज सुन ली और ये इनकी ओर ही आने लगा। ये दोनों इससे बच के भागने लगे और ये मॉन्स्टर भी इनके पीछे ही जा रहा है। ये लोग तालाब के पास आके छिप गए, ये मॉन्स्टर भी इधर ही आ रहा है। अरे इनका प्लान तो काम कर गया, ये मॉन्स्टर इस तालाब में गिर गया। यहाँ पे तो शॉन को पकाने की तैयारी चल रही है और ये बिजली वाली इविल नन तो बहुत खुश है। शॉन भी समझ गया है कि अब इसके बेहोश होने के नाटक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये इविल नन इसके पास आ रही है। ये कहती है कि तुम सिर्फ हंसने वाली हो क्या, जाके कहीं से आग लेके आओ, और अभी तो जेसन के ऊपर से बर्फ भी पिघलाना है। और अभी आग लेने जाने लगी। शॉन ने भी अब बचने की उम्मीद छोड़ दी है। इविल नन इससे कहती है कि लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने ही नहीं चाहते हैं, इसलिए तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। रॉड को अब होश आने लगा और इसने शॉन और इविल नन को भी देख लिया और ये चलता हुआ इनके पास ही जा रहा है। मगर जेसन को तो रॉड के बारे में पता चल गया है, रॉड ने इविल नन पे हमला कर दिया, ये तो बच गई। और ये रॉड को देख के हंसने लगी। रॉड कहता है कि शॉन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इविल नन, इसे जाने दो तुम। इविल नन कहते कि शॉन हमारा पेट भरने वाला है, रॉड ने तो मौका पाके इसको फ्रीज कर दिया और अभी शॉन की रस्सी खोलने लगा। शॉन कहता है कि रॉड मुझे तो लगा था कि आज मैं बचूंगा ही नहीं, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। रॉड कहता है कि अब घबराने की जरूरत नहीं है शॉन। रॉड ने अब शॉन को आजाद कर लिया। रॉड कहता है कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए शॉन,
और ये दोनों यहाँ से जाने लगे। ये दोनों अचानक रुक क्यों गए? अरे ये तो सामने से तो बिजली वाली विलन आ रही है। ये इनसे कहती है कि तुम दोनों हार नहीं मानने वाले हो, लगता है कि अब सबक सिखाना ही होगा। रॉड कहता है कि तुम पीछे हट जाओ शॉन, मैं इसे देखता हूँ। इसने तो रॉड पे हमला कर दिया, रॉड तो बाल बाल बचा। इसने रॉड की ओर ही दौड़ लगा दी। अरे ये इसको किसने मार दिया? ये तो हमारे बाबा हैं, मगर ये यहाँ कैसे आए? बाबा इन दोनों के पास आने लगे। बाबा कहते हैं कि लगता है मैं सही समय पे आ गया, चलो अब घर चलते हैं। शॉन कहते हैं कि बाबा आप यहाँ कैसे आए? बाबा कहते हैं कि मुझे गुल्ली बुल्ली ने सारी बातें बता दी थी और मैं फौरन तुम्हें बचाने आ गया, अब चलो हम यहाँ से चलते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।